किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। किसान वीरो, हमारे पशुपालकों को एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनके पशुओं को चिचड़ वगैरह बहुत लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊँगा पूरा प्रॉपर, जिससे कि आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए चिचड़ों का सफाया कर सकते हैं अपने फार्म से। एक ही शर्त है कि वहाँ पर आपको कुत्तों की एंट्री बिल्कुल बैन करनी होगी। अगर आपको दोबारा वहाँ पर कुत्ते आ गए तो आपको ये ट्रीटमेंट फिर से दोबारा करना होगा। तो चलो किसान वीरो शुरू करते हैं, और जो किसान वीर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर हमें चिचड़ियों को बिल्कुल जड़ से अपने फार्म पर ख़त्म करना है तो इसका हमें 5 हफ्ते का पूरा कोर्स करना होगा, और इसमें हमें दोनों रूट से काम करना होगा, यानी कि फार्म पर और एनिमल्स पर स्प्रे भी करनी होगी और एनिमल्स को इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे और चिचड़ियों के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से स्प्रे भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें दोनों रूट से काम करना पड़ेगा। पहला रूट मैं आपको बताऊं, आपको स्प्रे वाला है। स्प्रे वाले के लिए वैसे बहुत दवाइयां आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ भैंसों के ऊपर अच्छे से काम नहीं करती। जो आप सामने दवाई देख रहे हैं ये स्प्रे के लिए है। इसमें आप जो साल्ट है इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, अमित्राद 12.5% ईसी वेट, इस साल्ट को आप अच्छे से नोट कर लें। ये आपको भैंस पे भी, गाय पे भी, सभी जगह काम करेगा, और इसको आपको स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना है। दोस्तों, एक बात को आप पक्का गांठ बांध लें कि हर जो भी आप दवाई लेके आए उस कंपनी द्वारा पूरे डिटेल में बताया गया होता है भी कितने ml में कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा। तो मेरी इसके ऊपर 2 ml दवाई के ऊपर 1 लीटर पानी डालना है, तो आप उतना ही डालें ना, उससे कम ना ज़्यादा। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस दवाई को आपको पानी में घोल के अपने फार्म पे बहुत अच्छे से स्प्रे करनी है, और पशुओं के ऊपर भी स्प्रे करनी है। और ध्यान रखें कि पशु घास वगैरह ना खाते हों, घास वगैरह से दूर हों, बाहर हों, एक साइड आप स्प्रे करें अच्छे से। और फार्म पर आपको बहुत दबा के स्प्रे करनी है, कोई भी जगह खाली ना बचने पाए, क्योंकि इसका बड़ा कारण ये होता है जो चिचड़ी होती है वो अंडा हमेशा जमीन में देगी, पशु के ऊपर कभी नहीं देगी। तो हमें उसके अंडों का सर्कल तोड़ना है। ये हमें लगभग 5 हफ्ते तक रेगुलरली करना है, यानी कि हफ्ते में एक बार और 5 हफ्ते तक करना है। तो ऐसे में आप उसको फार्म पे करेंगे, पशुओं पे करेंगे, तो अंडों का सर्कल बिल्कुल टूट जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है, अगर आप कर रहे हैं, आपके पड़ोस में बिल्कुल पास आपके पड़ोसी का पशु रहते हैं, उसने स्प्रे नहीं की है, तो इस कोर्स का फिर इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। आपको भी स्प्रे करनी पड़ेगी, आपके पड़ोसी को भी स्प्रे करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अब हम दूसरे रूट की बात करेंगे, इंजेक्शन वाले की। और इंजेक्शन भी आपको एक बार लगाना है 5 हफ्तों के दौरान, आपको पहले हफ्ते में इंजेक्शन भी लगाना है। और इंजेक्शन का साल्ट, और आप नज़दीकी डॉक्टर से पता करेंगे, सरकारी डॉक्टर से, हर लगभग वहां पर ये फ्री में मिल जाता है। मैं अपनी गाय को इंजेक्शन इसका नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि इसका अभी आखिरी हफ्ता है, ये ब्याने वाली है, तो अगर ब्याने वाली नहीं होती तो मैं आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग करके वो भी दिखाता। तो दोस्तों, ये एक साइंटिफिक फार्मूला है आपके पशुओं और फार्म को चिचड़ियों से भगाने का। तो ऐसे आप अपने फार्म को चिचड़ियों से दूर रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो किसान वीरो, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।